आज की इस वीडियो में होने जा रहा है दो प्राइमर्स का कंपैरिजन एंड दीज आर वेरी अफोर्डेबल ब्रांड तो मैं बात कर रही हूँ मार्स एंड इनसाइट के प्राइमर्स की और ये है वो दो प्राइमर्स तो पहला है हमारा मार्स का प्योर प्योर प्राइमर एंड दिस इज दोर मिनिमाइजर प्राइमर फ्रॉम दी ब्रांड इन और आप सब जानते हो कि ये जो तो ब्रांड से काफी ज्यादा अफोर्डेबल है और इनके प्रोडक्ट्स हम सबको काफी अच्छे लगते हैं सो चलिए आज हम इन दोनों में कंपेयर करेंगे कि कौन सा प्राइमर बेस्ट है और कौन सा लॉन्ग लास्टिंग है और कौन सा हमारे पोर्स को ज्यादा अच्छे से मिनिमाइज़ करता है तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड वीडियो को लाइक करना मत स्टार्ट वीडियो तो प्राइमर लगाने से पहले जान लेते हैं कि हम प्राइमर का यूज क्यों करते हैं तो हमारे फेस पे होते हैं ओपन पोर्स और हमारी स्किन में बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं और इन प्रॉब्लम्स को हाइड करने के लिए हम यूज करते हैं प्राइमर का और ये प्राइमर हमारे फेस को लगाने के बाद बहुत ही इवेंसा कर देते हैं जिसकी हेल्प से हमारा फाउंडेशन बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है और ये एक लौता ऐसा स्टेप है जिसके बगैर आपका मेकअप अधूरा है तो अगर आप मेकअप से पहले प्राइमर नहीं यूज करते हैं तो प्राइमर यूज करना जरूरी है क्योंकि प्राइमर हमारे मेकअप को और ज्यादा बेटर बनाता है और ये प्राइमर बहुत सारी कैटेगरीज में आते हैं जैसे कि क्रीम बेस जेल बेस स्प्रे में आते हैं सिलिकॉन और भी बहुत सारी सो अभी हम बात कर लेते हैं पहले इस प्राइमर की सो ये इस प्राइमर की पैकेजिंग ये थोड़ी सी होलोग्राफिक पैकेजिंग में है ये आपको देखने में व्हाइट लग रहा होगा जब मैं इस टाइप से कर रही हूँ ना तो इसपे थोड़ा सा रेड का पिंक का शाइन है सो so, ये इसकी पैकेजिंग है और इसका प्राइस था थ्री हंड्रेड रुपीज़ बट सेल में ये आपको आराम से टू हंड्रेड का मिल जाएगा मैंने इसको लिया था वन नाइनटी सिक्स रुपीज़ का बिकॉज़ मेरे पास ओपन था सो so ये है इसकी पैकेजिंग और ऊपर के साइड यहाँ पे लिखा है मार्च्स एंड यहाँ पे हमें दिया गया है प्योर प्योर प्राइमर विथ देयर क्वान्टिट्टी और प्राइस के अकॉर्डिंग अगर मैं क्वान्टिटी की बात करूँ तो वो काफ़ी अच्छी दी गई है थर्टी एम की क्वान्टिटी हमें मिल जाती है इसमें और इसको ओपन कर लेती हूँ मैं सो इट सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर और सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर अच्छे होते हैं उनके लिए जिनके बहुत ज़्यादा लार्ज पोर हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आती है उनके लिए सो ये है इनका प्राइमर और इसके टेक्स्चर की अगर मैं बात करूँ तो इट्स वेरी स्मूथ जैसे हमारा बटर होता है ना एकदम मक्खन जैसा ये सेम वैसा है सो so, इसका ये इस टाइप का है टेक्सचर और इसको अप्लाई करने के बाद इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर है तो ये सारी है इस प्राइमर की खास बात अभी हम बात कर लेते हैं हमारे सेकंड प्राइमर की जो कि है फ्रॉम दी ब्रांड इन सो so ये है वो प्राइमर इतना छोटा सा प्राइमर और इसका भी एक थर्टी एम का ट्यूब आता है जस्ट लाइक दिस और इसका प्राइस भी है आई गेस थ्री हंड्रेड इसका प्राइस था ओनली हंड्रेड और ये इसकी पैकेजिंग है और ये ड्यूप है हमारे बेनिफिट के प्राइमर का बेनिफिट प्रो प्राइमर आप सब ने सुना होगा कि उसके रिजल्ट काफी अमेजिंग है बहुत लॉन्ग स्पीड के लिए वो बहुत अच्छा है मतलब बहुत सारे लोग उसे यूज करते हैं और बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट भी उसे यूज करते हैं सो ये है वो प्राइमर जिसे आज हम यूज करेंगे सो यहाँ पे लिखा है लाइट सॉफ्ट फोकस एंड ब्लर और ये प्राइमर काफी ज्यादा अच्छा है ये प्राइमर मैं पहले भी यूज कर चुकी हूँ बट ये मार्च का प्राइमर मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने जा रही हूँ सो so, इसका हम देख लेते हैं एक्शल सो so, ये प्राइमर है बेबी पिंक कलर में और इसको ना जब हम ब्लेंड करेंगे तो ये प्राइमर एकदम से इनविजिबल हो जाता है सो so, इस प्राइमर की ये बड़ी अच्छी चीज़ है और इस प्राइमर को ना अप्लाई करने के बाद इसमें कोई भी मॉइस्चर नहीं है ये आपके ऑयल को बहुत अच्छे से कंट्रोल करके रखता है बहुत अच्छा प्राइमर है ये सो so, इन दोनों की टेक्सचर की तो बात हो गई है अब मैं इन दोनों को अपने फेस पे अप्लाई करके दिखाऊंगी इन दोनों का रिजल्ट तो चलिए इनको ट्राई करते हैं सबसे पहले मैं इस साइड पे लगाऊंगी हमारा मार्स का प्राइमर प्राइमर लगाने से पहले आप में देख लू कि मेरे कितने ओपन पोर्स हैं लाइक इतने ज्यादा भी ओपन पोर्स नहीं है थोड़े थोड़े है पर उसे हाइट करने में ये कितना आगे है ये हमें देखना है सो इतना मैंने लगा लिया अपने फेस पे और अब मैं इसको यहाँ पे यहाँ से हमारी स्किन बहुत ज्यादा निकलती है और इस प्लेस से तो और भी ज्यादा तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा ज्यादा अप्लाई कर रही हूँ इस प्राइमर को और इस प्राइमर की जो फ्रेगरेंस है वो बहुत अच्छी है लगाने के बाद ना बहुत ज्यादा रिफ्रेश रिफ्रेशमेंट सा फील हो रहा है मुझे सो मैंने इसे अप्लाई कर लिया है और अब आप मेरा इस साइड का फेस देख सकते हो कि ये टोटली ब्लर हो चुका है मेरे जो भी यहाँ पे ओपन पोर्स हैं वो सब पर इस प्राइमर में थोड़ा सा मॉइस्चर आ रहा है क्योंकि जो मेरा ऑयल है वो अभी भी कंट्रोल नहीं हुआ है सो कुछ ऐसा है इस प्राइमर का टेक्सचर और इसका वर्क सो मुझे ये प्राइमर भी अच्छा लगा है सो इस साइड को हटाते हैं हम साइड में रखते हैं तो पहले हम बात कर लेते हैं इस तो इसको मैं अप्लाई करूंगी इस साइड पे और आप देख लो यहाँ पर मेरे थोड़े थोड़े ओपन पोर्स हैं So, हैं अच्छे से प्राइमर को ना आप इस तरीके से सर्कुलर मोशन में लगाओ आपका प्राइमर बहुत अच्छे से आपके पोर्स में हो जाएगा। मैं थोड़ा सा ऑल लगाऊंगी यहाँ पे थिकनेस की अगर मैं बात करूँ दोनों प्राइमर्स की तो मार्स की थिकनेस बहुत कम है और हमारा जो इनसाइड की जो थिकनेस है वो आपको यहाँ पे ज्यादा दिख रही होगी और इन साइड का जो प्राइमर है ना वो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि इसने पूरी तरीके से मेरा जो ऑयल है उसे कंट्रोल कर लिया है और बहुत अच्छे से इसने ब्लर आउट किया है यू सी द कंपैरिजन कि यहाँ पे बहुत शाइनी सा इफेक्ट आ रहा है और इस साइड मेरा पूरा मैट इफेक्ट है सो so, अगर आप कोई ऐसा प्राइमर देख रहे हो जो आपका ऑयल बहुत अच्छे से कंट्रोल करे तो आप इन साइड का प्राइमर यूज़ करना क्योंकि इसने काफ़ी हद तक पोर्स को तो फिल किया है ये उसके साथ साथ इसने मेरे ऑयल को भी बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है और इस प्राइमर को मैंने पहले भी यूज़ किया है तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ये प्राइमर आपका काफ़ी टाइम तक चलने वाला है आपके मेकअप को बहुत लॉन्ग स्टे रखेगा और जो हमारा मार्स का प्राइमर है उसने ऑयल को तो कंट्रोल नहीं किया है पर इसने हमारे पोर्स को मिनिमाइज किया है सो so, अगर आप कोई ऐसा प्राइमर देख रहे हो जो आपके ओपन पोर्स को हाइड कर दे प्लस वेरी लाइट वेट तो आप ले सकते हो मार्स का ये प्राइमर मार्स का प्राइमर अब मैं आपको पूरे फेस पे अपने लगा के दिखाऊंगी सो दिस साइड आई अप्लाई मार्स का प्राइमर और अब मैं अप्लाई करने जा रही हूँ यहाँ पे इन का प्राइमर So, दोनों साइड लगाने के बाद आपको यहाँ पे कंपैरिजन खुद दिख रहा होगा इसको अप्लाई करने के बाद मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपको ड्राई स्किन वाले या कॉम्बिनेशन एंड नॉर्मल ऑयली तो आप यूज कर सकते हो इस पोल प्राइमर को इस पोल प्राइमर ने बहुत अच्छे से सारे पोर्स को फिल आउट कर दिया है एंड अगर आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ऑयली साइड हो तब आप यूज कर सकते हो इन साइड का ये पोल मिनिमाइजर प्राइमर एंड इस प्राइमर ने बहुत अच्छा वर्क किया है सो आई एम श्योर काफी लोग इस प्राइमर के बारे में सर्च कर रहे होंगे क्योंकि ये प्राइमर एक लौता ऐसा है जो इतने कम प्राइस में इतनी अच्छी हमें फिनिश प्रोवाइड कर रहा है सो so, दोनों प्राइमर अपने अपने प्लेस पे बहुत अच्छे हैं सो so, आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी प्राइमर ले सकते हो एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपकी कोई रिक्वेस्टेड वीडियो है सो डू लेट मी नो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में